हम किसकी सरकार लेके आ रही हो इस बार? मोदी। मोदी? हाँ जी। क्यों? मोदी। मोदी क्यों? मोदी ने लेटरिन बनवाई है, गरीबों के साथ दे रहे हैं और उन्हें बाहर देख के सब पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या करा हम जैसे इनको बताओ? मेरा ऑपरेशन करवा दिया उन्होंने, सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया, DTC बस में फ्री कर दिया, और क्या चाहिए हमें है? मेरी एज 60 साल की हो रही है। पर नौकरी नहीं दे पा रहे ना है? जवानों देंगे देंगे भैया, नौकरी है कहाँ सरकारी? मेरे भी आदमी DTC में था, 2017 में रिटायर हुए, मेरा एक बेटा, उन तक को नहीं मिली, उन तक को नहीं मिली। वो जिसको रिटायरमेंट हुए हैं ना, उनको सब सब हटा दिए। भाई जी किसकी सरकार बना रहे हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को लग रहा बन जाएगी? हाँ लग रहा है, लेकिन अगर इस हिसाब से EVM से होगा तो शायद मुश्किल है। बुलेट पेपर से होगा तो हो जाएगा? हाँ बुलेट पेपर से होएगा तो राहुल गांधी सलाबा नहीं आएगी सरकार। मोदी जी क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी अगर इस तरीके से करा रहे हैं, अभी भी देख रहे हो आप EVM चली कहाँ पा रहे हैं, हर मतदान पे EVM चली नहीं पा रहे हैं, EVM खराब ज़्यादा दिखा रहे हैं। 12 से 1 बज जाता है उसके बाद में EVM आता है तो वोट पहले ही कट जाते हैं, 50% वोट तो जब तक पड़े नहीं पाते, फिर इतना आधे टाइम में वोट पड़ेंगे तो EVM से ही पड़वाते हैं, फिर भी EVM से अगर वोट होते रहेंगे तो मोदी जी से अलावा फिर कौन आएगा ऐसे? लेकिन राहुल गांधी बेस्ट ऑप्शन है। भैया जी किसकी सरकार इस बार? BJP सरकार, मोदी जी। मोदी जी की क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी जी पिछले 10 सालों से, 2 सत्रों से अपने प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, और उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, जैसे 370 कश्मीर से 370 हटी, और अपना राम मंदिर का मुद्दा इतना पुराना चल रहा था वो पूरा हुआ, उसका ऐसा भव्य उद्घाटन हुआ जो पूरे विश्व ने देखा, पूरे भारत ने देखा। बाकी उसके अलावा और कौन है ऐसा जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? राहुल गांधी भी खड़े हैं। नहीं तो उनका कौन सा ऐसा तथ्यपूर्ण बात कुछ करते हैं वो कि हमारे देश को आगे लेके जाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे? आज तक कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, BJP सरकार ने सभी मुद्दों पे हल्के हल्के कर रहे हैं, वो इतने टाइम में जितनी चीज़ें खराब हुई थी उसको टाइम सही होने में कुछ समय लगेगा, तो हम तो BJP के साथ हैं, अब भी रहेंगे। अगर नौकरी को लेकर इसमें क्या कहेंगे? वो भी आएगा हल्के हल्के, वो भी चीज़ें आएंगी, वो भरोसा है हमें कि आएगा वो भी। ठीक है, मोदी जी करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर मोदी जी जो वादे करते हो क्या पूरे कहाँ करते हैं? 15 लाख देने का वादे किए थे। 15 लाख कहाँ, मतलब ये 15 लाख, एक बात बताइए, 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये हर आदमी के अकाउंट में, 118 मतलब 1,18,00,000 मकान बने पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, 1,18,00,000 मकान बने पूरे भारत के अंदर, और अभी जो उन्होंने घोषणा पत्र जमा किया उसमें 3 करोड़ मकान बनाने का और वादा किया है। ठीक है, और ये मकान बने हैं क्योंकि हमने देखा है, और लोगों के अकाउंट में 2.5 लाख तो गया है ना, मकान के नाम पर 2.5 लाख गया है। जिन लोगों ने लोन लिया तो उनको लोन की सब्सिडी के रूप में 2,67,000 गए हैं, और जिन लोगों ने फ्लैट लिया तो उनको 2,67,000 गए, और जिन लोगों ने अपनी जगह पर मकान बनाया उनको 2.5 लाख रुपये गए हैं। 15 लाख नहीं गए, 2.5 लाख तो ये गए, बाकी किसानों के खातों में 2 लाख रुपये जा ही रहे हैं, 2,000 रुपये महीना जा ही रहे हैं, और उज्ज्वला के तहत इतने सारे उन्होंने सिलेंडर घर घर पहुँचा दिए, चूल्हे नहीं, महंगाई साहब महंगाई, अब से नहीं नहीं तो एक बात ये भी सोचिए, अब से 10 साल पहले मजदूरी और तनख्वाहें भी कम थी, महंगाई बढ़ी है तो वो चीज़ें भी बढ़ी हैं, 8-10 हज़ार इससे ज़्यादा था ही नहीं कहीं, वो चीज़ मतलब एक ऐसा फैक्टर हो गया जो लेबर रेट में बता रहा हूँ, लेबर रेट पे क्योंकि मैं खुद उस लाइन में हूँ, तो आज जो मैं पहले काम कराया था 250 में कराया था, आज वो 700 रुपये में मुझे कराना पड़ रहा है, 700 रुपये में हो रहा है, तो जब वो चीज़ बढ़ी है तो महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया? और महंगाई कहाँ, कितनी बढ़ गई, कौन सी चीज़ पर महंगाई बढ़ गई बात कर रहे हैं आप, किस चीज़ की महंगाई बढ़ी? सिलेंडर बढ़ गई है, सब्जियाँ बढ़ गई, दाल पर बढ़ गई है, सरसों का तेल बढ़ गया, सब चीज़ तो बढ़ ही गया है। अब जब सब चीज़ों का रेट बढ़ा है तो नहीं, इनकम भी बढ़ी है, कुछ सेक्टरों में नहीं बढ़ी है, उसमें बढ़ जाएगी, हर सेक्टर में नहीं बढ़ी है लेकिन कुछ सेक्टरों में बढ़ी है। मोदी जी आएंगे, कुछ भी हो मोदी जी आएंगे और हम मोदी जी के साथ हैं। सर किसकी सरकार लेके आ रहे हैं सर? वैसे सर देखा जाए तो हम भगवाधारी हैं, और दूसरी बात यह है कि भगवाधारी तो है ही है, और दूसरी बात यह है कि जो रोड जो देश का विकास करे उसकी सरकार होनी चाहिए। देश का विकास कौन कर रहा है सर? वैसे मोदी जी कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा खासा। नौकरी तो नहीं दे पा रहे हैं? और नहीं दे रहे हैं, आज नौकरी एक दिन में पैदा नहीं होती है ना। महंगाई सर? महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है, आज भी बढ़ रही है, और ना नौकरी मिल पा रहा है, और नौकरी है भी तो सैलरी कम है, कैसे गुजारा होगा? जैसे भी हो रहा है, एक दिन सारा काम नहीं होता है, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सब काम होता है। पर आप मोदी जी को वोट देंगे? बिल्कुल,
भाई किसकी सरकार बना रही इस बार? बीजेपी, बीजेपी भाई, ऑलवेज डाई हार्ड सपोर्टर उसके काम से भाई, बहुत काम किया। क्या काम नहीं किया बताइए आप? नौकरी नहीं मिल पा रही है नौजवान, किसको नहीं मिल पा रही भाई? मेरे को बता, मेरे को 10 बंदों का मेरा नंबर ले लो, 10 बंदों का मुझे बता दो, मैं लगवा देता हूँ भाई। पक्का लगा? पक्का भाई, प्रॉमिस, इट्स प्रॉमिस टू यू ब्रो, प्रॉमिस है, वादा है भाई। इसलिए मोदी आ रहे हैं? बिल्कुल भाई। राहुल गांधी क्यों नहीं? भाई ये कौन, मैं जानता ही नहीं हूँ। जानते ही नहीं हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं जानता भाई कौन है। भाई किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? इस बार गठबंधन की बननी चाहिए सरकार। बननी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जो है बीजेपी वालों ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मुरादाबाद में मतदान हो चुका है। आपने दिया है? वोट देकर आया हूँ। क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ा रखी है, जितने इन्होंने कोई इनका घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें कोई भी एक भी नौकरी का जिक्र इन्होंने करा नहीं। बस बेरोजगार और पेपर लीक से परेशान आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ आ रहे हैं दिल्ली, तैयारी करता हूँ मुखर्जी नगर में, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है भाई कई साल से। अंकल जी किसकी सरकार बन रही है इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी जी? दिल भी कह रहा है कि नहीं? दिल कह रहा है 101% बीजेपी। बीजेपी पर की काम हम किए बीजेपी ने? देखो जब से बीजेपी आई है चारों तरफ विकास ही विकास है, क्योंकि जब से हमारा जो है इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुई है, डिफेंस में भी फर्क पड़ा है, उसके अलावा जो रोड वगैरह है या इस तरह के बहुत काम कर रहा है रोडों के ऊपर जो है, और विदेशों में भी हमारी जो गुडविल इज्जत वो बहुत अच्छी बनी है इस टाइम पे। नौजवानों को तो नौकरी नहीं मिल पा रही है? देखो नौकरी तो खोजनी पड़ती है, वो तो अपनानी पड़ेगी, आप कितने स्किल्ड हैं। और दूसरी समस्या ये है नौकरी के बारे में, हमारे देश की सबसे बड़ी बात है कि भाई पॉपुलेशन समस्या है। जब तक आप पॉपुलेशन समस्या को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक ये समस्या सदियों से चलती रहेगी बेरोजगारी की, जो कभी हल नहीं होगी कभी मेरे हिसाब से। सर इस बार किसकी सरकार? सर सरकार फिर से वही मोदी सरकार। मोदी सरकार? जी जी जी। मोदी सरकार की सर? मोदी सरकार ने जो काम किया है, जो दिख रहा है चारों तरफ काम हो रहा है, तो उसी हिसाब से तो आना चाहिए उसको। सर नौकरी तो नहीं दिख रही सर कहीं भी? नौकरी तो कहीं भी नहीं है, शुरू से नौकरी नहीं है। शुरू से कौन सा, सभी लोग नौकरी पैसे में थे, जब भी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं हम लोग। कुछ भी मोदी जी आएंगे? हाँ वो तो आना ही आना है। भाई जी किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? इस बार तो बीजेपी की सरकार आएगी, सबको पता, पूरे उत्तर प्रदेश को पता, पूरे भारत को पता है कि इस बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार जो आएगी वो बीजेपी की ही आएगी। क्यों भाई, बीजेपी क्यों आएगी? क्योंकि यार मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, हमारे महंत योगी आदित्यनाथ काफ़ी टाइम से अकेले 7-8 बार के वो सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के रूप में पूरे इंडिया को पता है कि अगर देश में मुख्यमंत्री है कोई तो वो है योगी आदित्यनाथ, उसके जैसा CM आज तक कोई नहीं बनाया है। क्योंकि वो जो भी होता है अगले कानून के से रिलेटेड या फिर वो क्राइम से रिलेटेड वो तुरंत एक्शन में आता है, वो ऐसा CM हमारे, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते, तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। सर अब की बार किसकी सरकार? मोदी जी की। मोदी जी की जी? गांधी जी की नहीं सर। जो सनातन के विरुद्ध है उसको वोट नहीं मिलेगी। सीधा मोदी जी? सीधा मोदी जी, जो सनातन के साथ है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।